वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज मैं आपके लिए बी ए फर्स्ट ईयर की सोशियोलॉजी का लघु उत्तरीय प्रश्न कराने वाला हूँ, ठीक है। प्रश्न नंबर 14। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, क्वेश्चन जो मैं आपके लिए करा रहा हूँ ये आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने क्वेश्चन है हमारा कि संस्कृति संक्रमण अथवा पर संस्कृति ग्रहण की विशेषताएँ बताइए। आपसे संस्कृति संक्रमण और पर संस्कृति ग्रहण की विशेषताओं के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग संस्कृति संक्रमण अथवा पर संस्कृति ग्रहण की प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो निम्न प्रकार हैं, ठीक है। सबसे पहली विशेषता जो है वो पर संस्कृति ग्रहण संस्कृति संक्रमण अर्थात एक समूह से दूसरे समूह में संस्कृति हस्तांतरण की प्रक्रिया है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट है हमारा कि पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया में दो संस्कृतियों में सांस्कृतिक तत्वों का परस्पर आदान प्रदान होता है। इस प्रकार यह एक दो तरफा प्रक्रिया है। जो पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया जो है इनमें दो संस्कृतियों में, ठीक है, सांस्कृतिक तत्वों का परस्पर आदान प्रदान होता है। ये कैसी है? ये दो तरफा प्रक्रिया है, ठीक है ना। कौन सी? पर संस्कृति ग्रहण। थर्ड पॉइंट हमारा पर संस्कृति ग्रहण के लिए दो संस्कृतियों का लंबे समय तक प्रत्यक्ष एवं निरंतर संपर्क होना आवश्यक है। पर संस्कृति के लिए पर संस्कृति ग्रहण के लिए दो संस्कृतियों का लंबे समय तक प्रत्यक्ष और निरंतर संपर्क होना आवश्यक है। फोर्थ पॉइंट हमारा पर संस्कृति ग्रहण में संपर्क में आने वाली दोनों ही संस्कृतियों का संपूर्ण मिश्रण नहीं होता, वरन वे अपनी विशेषताएं भी बनाए रखती हैं, ठीक है। फाइव पॉइंट हमारा पर संस्कृति ग्रहण करने वाले समूह की जीवन पद्धति बदल जाती है अथवा दोनों समूह के मौलिक सांस्कृतिक प्रतिमानों में परिवर्तन आते हैं। सिक्स पॉइंट हमारा पर संस्कृति ग्रहण स्वेच्छा अथवा दबाव दोनों ही प्रकार से हो सकता है। तो ये था आपका क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला प्रश्न है ये आपके लिए। और जिन बच्चों को वीडियो जिन्होंने लाइक नहीं करा वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।